नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन 2021 के बारे में। तो यदि आपने अब तक पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है तब आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अगली बार से कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। हम लोग बात करते हैं, स्प्रिंग सेमेस्टर में एडमिशन होने वाला है आईआईटी बॉम्बे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। आपको पता होगा कि भारत का शीर्ष संस्थान में आईआईटी बॉम्बे को काउंट किया जाता है। यहाँ पे 3 सितंबर को एडवर्टीजमेंट आएगा। आप देख सकते हो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 3 सितंबर 2021 से भरा जाएगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात करें तो 20 अक्टूबर तक आप भर सकते हो। लास्ट डेट फॉर डिपार्टमेंट टू सेंड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू 27 अक्टूबर, टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द एंट्रेंस टेस्ट या फिर इंटरव्यू 2 नवंबर 2021। तो समय है लेकिन आप अभी से तैयारी में लग सकते हैं। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू की बात करें फॉर ऑल कैटेगरीज, तो आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है तो 2 एवं 3 दिसंबर को होगा, बायो साइंस एवं बायो इंजीनियरिंग को 2, 3 एवं 4 दिसंबर का होगा, केमिकल इंजीनियरिंग का 3 एवं 4 को होगा। इसी तरीके से आप अपने देखते जा सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस की बात करें तो 7, 8, 9 दिन है दिसंबर में जब आपका टेस्ट यहाँ पे या फिर इंटरव्यू वाट एवर होगा। तो अपने से देख सकते हो आप। डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट की बात करें तो 21 दिसंबर को आपका फाइनल रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। और पेमेंट ऑफ फ़ी की बात करें तो 27 दिसंबर को आपको फ़ी पेमेंट कर देना है। ओरिएंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम की बात करें तो 4 एवं 5 जनवरी 2022 को होगा और इंस्ट्रक्शन बिगिंस 6 जनवरी 2022 से होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वगैरह के बारे में, आईआईटी बॉम्बे के बारे में। जैसा कि आपको पता है उसके बारे में यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है। आगे हम लोग यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटी वगैरह के बारे में दिया हुआ है, पीएचडी प्रोग्राम में योग्यता वगैरह के बारे में दिया हुआ है, मास्टर और इक्विवेलेंट डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि सब्जेक्ट वाइज इन्होंने दिया है तो हम लोग डायरेक्ट वहीं पे क्वालिफ़िकेशन देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे यहाँ पर मेरे ख्याल से यहीं पे होगा, हाँ, इंफॉर्मेशन ऑन डिपार्टमेंट्स सेंटर स्कूल्स एंड इंटर डिसिप्लिनरी ग्रुप्स। यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो देखिए यहाँ पे योग्यता क्या चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए, और यदि आप एससी एसटी हैं तो 55% मार्क्स चाहिए। और बाकी सारी चीज़ें क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं। रिसर्च एरिया भी यहाँ पर दिया हुआ है। उसी तरीके से आप बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में देख सकते हैं, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में देख सकते हो, केमिकल इंजीनियरिंग में देख सकते हैं, केमिस्ट्री में देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में देख सकते हैं, उसके बाद क्लाइमेट स्टडीज़ है उसमें देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है उसमें देख सकते हैं, उसके बाद डिज़ाइन है, डिज़ाइन में आप देखने के बाद फिर आप देख सकते हो, अर्थ साइंसेज में देख सकते हैं, अर्थ साइंस में के बाद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में देख सकते हो आप, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद हम लोग यदि इसमें देखें तो एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इसमें सभी में रिसर्च एरिया दिया हुआ, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, उसके बाद यहाँ पर जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज इंजीनियरिंग है, उसके बाद आगे देखते हैं ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है। तो इसमें है 55% मार्क्स चाहिए आपके पास। और एमए की बात करें तो यदि आप जनरल हैं तो 55% मार्क्स, और यदि आप एससी एसटी हैं तब आपको 50% मार्क्स चाहिए आपके मास्टर डिग्री प्रोग्राम में। एंड कैंडिडेट्स हैविंग यूजीसी नेट लेक्चरशिप या गेट आर आल्सो एलिजिबल फॉर टीचिंग असिस्टेंटशिप इन एडिशन टू अदर अकेडमिक क्वालिफिकेशन। रिसर्च एरिया इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, फिलोसफी है एंड कॉल फॉर इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी इन संस्कृत है। उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन
ऑपरेशंस रिसर्च, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग और कौन कौन सब्जेक्ट है। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के बाद मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में कर सकते हो आप, स्टैटिस्टिक्स में, प्रोबेबिलिटी में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मेटालॉजिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल्स साइंस में कर सकते हैं आप, नैनो टेक्नोलॉजी एंड साइंस है इसमें भी किया जा सकता है, फिजिक्स है। उसके बाद फिजिक्स के बाद यदि हम लोग और सब्जेक्ट की बात करें तो सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट है, अर्बन साइंस एंड इंजीनियरिंग है। उसके बाद और देख लेते हैं, तो ये सारे इतने सारे सब्जेक्ट थे। अब यहाँ पर फ़ी के बारे में दिया हुआ है। फ़ी चूँकि यहाँ पर बहुत कम लगता है, जितने बड़े यूनिवर्सिटी में जाएंगे उतना फ़ी कम है। फ़ी डिपॉजिट एंड हॉस्टल रेंट फॉर PhD स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, वन टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ग्रुप वन ग्रुप टू, कॉन्सेशनल नॉन कॉन्सेशनल और SC ST PWD का और इंस्टीट्यूट स्टाफ का, ठीक है। तो आप देख लो अपने हिसाब से, यहाँ पे सभी का 9600 है टोटल। पर सेमेस्टर फ़ी की बात करें तो आप देख सकते हैं SC ST का 40,000 है, 14,000, और इसका 39,000, और यहाँ पे 16,500। मेडिकल फ़ी, हॉस्टल रेंट, ये सारा चीज़ इसमें जुटा हुआ है, रजिस्ट्रेशन, ट्यूशन फ़ी है, वाटर एवं इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, ये सब कुछ इसमें जुड़ा हुआ है। तो फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, यदि आप पढ़ना चाहेंगे तब आप बिल्कुल यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स आर परमिटेड टू टेक टेम्प्ररी विदड्रॉल फ्रॉम द प्रोग्राम फॉर वन और मोर सेमेस्टर्स, विल बी रिक्वायर्ड टू पे 2,000 एज ए कंटिन्यूएशन पर सेमेस्टर। तो आप यहाँ पे रुक करके भी कर सकते हो, हालांकि आपको फ़ी यहाँ पे देते रहना होगा। तो ये सारे हैं यहाँ पे आपको, विद कॉन्सेशन ऑन ट्यूशन फ़ी मास्टर स्टूडेंट के लिए, ये सब मास्टर और PhD वालों के लिए यहाँ पे है कि आप देखिए, आपको यहाँ पे स्पॉन्सर किया जाएगा, आपको DRDO के द्वारा हो या प्रोजेक्ट स्टाफ है, सेल्फ फिनांस है, स्पॉन्सर्ड फेलोशिप में TCS है, इन्फोसिस है, CG है, फोर्ब्स है, मार्शल है, कहीं से भी आपको स्पॉन्सर किया जा सकता है, तो आपको पैसा मिलेगा, या स्पॉन्सरशिप लेटर फॉर फुल टाइम PhD कैंडिडेट है तो इसमें स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो IIT बॉम्बे एक बहुत ही बेहतरीन संस्थान है, यदि आपको मौका मिले तब आप किसी से पूछिए नहीं, आप एकदम आँख बंद कर करके यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जाइए। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और लोगों से प्यार करते रहिए।